वेट गेन, हार्मोनल इम्बैलेंस, ब्रेन फॉग, हार्ट डिजीजेस या बॉडी में इन्फ्लेमेशन, ये सब का रीज़न इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के कंडीशंस क्या हैं? अगर आप बहुत ज़्यादा डाइट में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स लेते हो, चाहे वो आपके हाई फ्रक्टोस सिरप्स हो, कॉर्न सिरप्स हो, या आपके डाइट में ब्रेड बिस्किट या रोटी चावल या बस फ्रूट्स, ये सारे अल्टीमेटली चीज़ें आपका कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं। सो अगर आपके डाइट में ज़्यादा लोड कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स और फाइबर की कैलोरीज आपने एडजस्ट नहीं किए हैं, ये भी इसका कॉज हो सकता है। या आपका लीवर फैटी है, आपके गट में टॉक्सिसिटी है, आपका गट क्लीन नहीं है किसी भी रीज़न से, या आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज हो जाती है। हार्मोनल इम्बैलेंस इसका बहुत बड़ा रीज़न रहता है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस जब होता है, डायबिटीज़, पीसीओएस, ऐसे बहुत सारी कंडीशंस हम लोगों को देखने को मिलती है। हम लोग एज अ डाइटिशियन क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले डायग्नोसिस समझते हैं कि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों है। क्या पैनक्रियाज का फॉल्ट है, आपका लाइफस्टाइल है, सर्कैडियन रिदम है, आपके डाइट में ज़्यादा इनटेक कार्बोहाइड्रेट्स का है, आपने पानी ही सिर्फ कम कर दिया था डाइट में, वही एक सिंपल लॉजिक है, आपका लीवर फैटी था, या आपके गट में कोई और प्रॉब्लम है, आप में डेफिशिएंसीज ज़्यादा है, कोई एक पर्टिकुलर हार्मोन, आपका कॉर्टिसोल स्टीरॉयड हार्मोन सपोजिंगली एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करने की वजह से बढ़ गया, जिसके वजह से और हार्मोन्स कम हो गए। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, डायग्नोसिस हो सकती हैं। सो हम लोग डॉक्टर इन पैनल के साथ डायग्नोसिस को समझते हैं और आपके लिए डाइट प्लान बनाते हैं। सो अगली बार जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो, सो कॉजेज को सुन लीजिए, डायग्नोसिस कर लिया जाएगा और उसके बाद डाइट प्लान आपने फॉलो करना है। थैंक यू।